पंजाब दे लोगो तुसीं लाई जाओ लंगर, तुसीं लाई जाओ छपीला, तुसीं कट्टी जाओ नगर कीर्तन। आ पंजाब दा एक पिंड देखो, यह पंजाब दा एक पिंड आ जिथे पानी खत्म हो गया। पिंड वाले अपनिया कोठियां बेच के अपने घर बेच के पिंड दे विचों पलायन कर रहे ने। कहते सानू पशुओं नू पीण लई पानी नहीं मिल रहा, सानू पानी की इन्नी तोट आ रही है। जो साडा पवन गुरु पानी पिता माता धरत मत साडा प्यो खत्म हो रहा, पर जिन्हां दे कहते सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची वह सुते पए ने। शेरां दी कौम पंजाबी, आसियां दी कौम पंजाबी हो गई आ। पंजाब दे मध्यवर्गी लोग स्कूलों कालजा दे विच पढ़ते बच्चे ते नौजवानी पीढ़ी पानी नू तरसूगी। वो पंजाब दे लोको राजस्थान दे लोग तां जम्मे ही सोके दे विच सीगे, असीं तां सोका देखिया ही नहीं हैगा। जदों किसान की जिंद जान आ जमीन, जमीन की वैल्यू हैगी पानी दे नाल, ते जद पानी वो साडा खत्म हो जाणा वा, जिहड़ी 85% किसानी मध्यवर्गी आ। जो कोई चरी बीजदा, कोई बरसी बीजदा, कोई डेयरी फार्म का धंधा करता, कोई सब्जियां बीजदा, कोई फल फ्रूट बीजदा, जिहड़े अपना पालन पोषण करते हैं, जदों पानी ओ नहीं रहा तो बाई जी 85% किसानों की आत्महत्या भी बदल गई। तो सानू नौकरियां मिलदियां नहीं, फैक्ट्रियां दे विच भैया ने कब्जे कर ले, जदों पानी ओ नहीं रहा। फिर दसो किसान जिहड़े हुण चुप करके बैठे ने अपने प्यो पानी नूं बचाउण लई कुछ करदे नहीं हैगे, वो बर्गरां दीआं रेहड़ियां लाउणगे, आंडियां दीआं रेहड़ियां लाउणगे, रिक्शे चलाउणगे, जां सऊदी अरब कुवैत दे विच जाके 20-25 हज़ार रुपये ते नौकरियां करनगे। डल्ले वाले साहब ने तो उत्थे धरना ला लिया, जिन्हों का अमृत छकिया होया वा, मुछा दे नेंबू टकाउंदा, गात्रा उपर ची पा के रखता, केड़ा धरना लाया पटियाले दे विच जिहड़ा पुलिस ने चक्या भी केंद्रीय मंगा वास्ते, भी असीं ट्यूबवैल होर पासे सानू लगने चाहिए ने, ते जिहड़े मीटर जिहड़े चिप वाले असीं मीटर नहीं लगने देने चाहिए। जिहड़े किसानां दे भविख नाल जुड़िया होया पाणी, उहदे वास्ते प्यो दे पुत्त ने कदे धरना नहीं लाया। डल्ले वाल उही आ डल्ले वाल जिहड़ा कि खसखस की खेती का विरोधी आ, ते दिल्ली जदों धरने चलते सी खसखस की खेती वालियां नूं अपनी स्टेज ते बोलण नहीं सी दिंदा, जद कि जिहड़ी मर रही किसानी आ उहनूं खसखस की खेती पैरां ते खड़ा कर सकती है। आप साढ़े बजुर्ग किसान लीडर ने ब्याह करा ले, बच्चे पैदा कर ले, जिंदगी का आनंद ले लिया, अपने बच्चे बाहर भी भेजते, तो हूँ यह पंजाब नूं बंजर बना के मरणगे साढ़े बजुर्ग किसान लीडर। ये परमात्मा कृपा करे जिहड़े बंजर जिहड़े साढ़े किसान लीडर ने इन्हां नूं अपने चरणों च नवाज बख्श। जे होर देर रह गए तो इन्होंने पंजाब नूं बंजर बना के मर जाणा वा, तो अपने बच्चे इन्होंने बाहर सैट करते, तो सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची। असी किधर लगे हुए, छपीला ला लो, लंगर ला लो, किन्ने गुरद्वारों के असी रोज़ मत्था टेकण जाने, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की परिभाषा वा उहदे ते कदे असी विचार करते हैं? कदे किसान लीडर ने कहा भी जी साढ़े 10 मुंडे रोज़ चिट्टे दे नाल मर रहे ने, साडा प्यो पानी खत्म हो रहा वा, असी कदे चंडीगढ़ भी पानी नूं बचाउण लई धरने ला लीए, असी अपने प्यो नूं बचाउण लई धरने ला लीए। पंजाबीओ रब दा वास्ता वीरियो, ये गुरुआ पीर पैगंबरां दी धरती दी पंजाब ने बंजर हो जाणा वीरियो। जब कोई औरत मर्द औरत बाज हुंदी आ पंजाबीओ, जब कोई औरत बाज हुंदी आ तां उहनूं समाज ताने मारदा, उहनूं मेहणे मारदा, साडे तां पूरे पंजाब ने बंजर हो जाणा वा। आ जिहड़ी 20 रुपए की बिसलेरी की बोतल आ 2030 तों वध 500 रुपए की हो जाणी आ, क्यों नहीं असी झोने का पाई कट करते? हरेक साल पंजाब दे विच झोने की नकली झील बनती है, जिहदे विच ना कोई मच्छी बढ़ती है, ना कोई जीव जंतु बढ़ता, सिर्फ झोने नूं उगा के सुक जाती है। 20 रुपये किलो जीरी की भी 20 रुपये किलो जीरी बिकती है, तो असी 5,500 लीटर पानी खराब कर देने, जाने कि 5,500 लीटर बिसलैरी की बोतल। क्यों नहीं असी खसखस की खेती की मांग करते हैं? अज बाजरा कोतरा चक्कियां दे विच किन्ना महंगा विकदा वा, क्योंकि पिंडां वाले ते शहरां वाले हुण मिक्स आटा खाण लग गए। क्यों किसान जत्थेबंदियां वाले ऐलान नहीं करते भी असी रेहा स्प्रेयां नहीं अपने फसलों के पावांगे? हुण एक रिपोर्ट आई है जिहड़ी साडी नौजवानी आ, नौजवानी दे 25% नौजवानी जो कोई नशे नहीं करती, उन्हां दे बीज दे शकराणु मर जा रहे ने, नमर्द हो रहे ने। क्यों? क्योंकि मां दे पेट दे विच असी यूरिया खाण लग जांदा बच्चा। अज हर घर दे विच मरीज पैदा हो गया, कैंसर, काला पीलिया, चुकर, हरेक घर च बढ़ गया, तीसरी जनानी की बच्चेदानी निकली हुई आ। तुसीं इह देखो सर्वाइकल थायरॉइड हरेक नूं होई जांदा वा। क्यों? क्योंकि असी 3 टाइम रोटी दे विच यूरिया खाने आ। कदे किसान लीडर मेरे ने हुण
ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,800 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰਿਓ ਇਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਉੱਠੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰਨਗੀਆਂ